नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट को कैसे हाइड करके रख सकते हैं। जैसे कि आपका गर्लफ्रेंड का नंबर हो गया, कि अगर आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड का नंबर हो गया, तो वो जब कॉल करेंगे उनका कोई डिटेल्स फ़ोन में आना नहीं चाहिए। जैसे कि नंबर नहीं आएगा, आप चाहें तो नंबर को भी हाइड कर कॉलर आईडी हाइड कर सकते हैं, नाम को भी हाइड कर सकते हैं। ऐसे खाली कॉलिंग दिखाएगा, फ़ोन में कुछ नहीं दिखाएगा। चलिए मैं एक टेस्ट करते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ मेरे गर्लफ्रेंड के नंबर से, जैसे कि उसका फ़ोन मेरे पास है। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, देखिए क्या आता है कॉल में। देखिए ये क्या लिखा है, जैसे मैंने डायलिंग लिख के सेव किया है। अगर ये कॉल मैं घर में फ़ोन छोड़ा हूँ कोई देख लिया तो मेरी तो शामत आ गई। डायलिंग लिखा है, नंबर पता चल जाएगा किसी को तो वो शायद कॉल करके कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है। तो ये आप कैसे हाइड करेंगे? कॉल करने से तो उनको मना नहीं कर सकते, वो कॉल करेंगे ही करेंगे। आप कॉल नहीं उठाए तो बार बार कॉल करेंगे। तो उसका सलूशन है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। पहले चलते हैं प्ले स्टोर में। ये देखिए ये एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं, ठीक से देख लीजिए, काउंटग्राम कॉल एंड ऐप लॉक। ऐप लॉक तो बहुत सारे हैं, कॉल भी लॉक बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जैसा काम कोई नहीं करता, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलिए ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है, ठीक है। इसमें देख ही दिया है, पहले इनकमिंग कॉल लॉक। आप चाहें तो सारे इनकमिंग कॉल्स को लॉक कर सकते हैं। कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। इनकमिंग कॉल लॉक, ये देखिए, पैटर्न मोड 2 डिजिट लॉक। देखिए एक बहुत अच्छा चीज़, कॉल बटन मोड, वो लॉक करेंगे तो शायद किसी को पता चल जाएगा कि आपने लॉक किया है। लेकिन ये वाला लॉक जो है बटन मोड, ये किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कॉल को लॉक किया है बोल के। देखिए आप अगर ये बटन को ऐसे करेंगे तो खुलेगा, आप कोई भी मोड दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ एक यहाँ का, एक यहाँ का, ठीक है। पहले एक दिखा, दो, एक दो, दो बार करने से सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है टेस्ट कॉल। टेस्ट कॉल करते हैं कैसे कॉल आएगा। देखिए ये कॉल आया, कॉल आएगा तो आपको ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे नाम और नंबर दिखाएगा। तो आपको सिंपली करना है जो आपको पासवर्ड देंगे, जैसे मेरा दिया हुआ है, अभी ये मैं आंसर कर सकता हूँ। और कोई गलत दिया तो आंसर नहीं, ये दिखाएगा ही नहीं। अभी तो आपको पता चल गया कि कैसे इनकमिंग कॉल को लॉक करना है। अभी मैं आपको बताऊँगा कॉलर आईडी कैसे हाइड करना है, ठीक है। तो इसमें दिया है, देखिए दो नमूना, हाइड कॉलर आईडी, इसको पहले टच करते हैं। पहले हमारा जो कॉन्टैक्ट को हाइड करना है उसको क्लियर कर, मैं जैसे मेरा डार्लिंग लिखा है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। देखिए इसमें दो चीज़ है, हाइड नंबर करके देखते हैं कैसा होता है प्रीव्यू। देखिए हाइड नंबर करेंगे तो ऐसे आएगा कॉल, नाम आएगा, नंबर नहीं आएगा। उसके बाद भी कोई रिसीव नहीं कर सकता आपका जब तक वो पासवर्ड नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद खाली नंबर नेम को हाइड करते हैं, नेम हाइड करेंगे तो खाली नंबर आएगा। अब दोनों को हाइड करते हैं, देखिए कुछ नहीं आएगा, खाली आपका ऐसे आएगा, रिंगटोन बजेगा, रिसीव एंड। रिसीव भी आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपका पासवर्ड नहीं दी, ठीक है। प्रीव्यू तो हो गया, हमने सेट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और कॉल करके देखते हैं। देखिए मेरा कॉल आया, देखिए कैसा दिखाया, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, खाली रिसीव और एंड दो चीज़ें दिखाएगा। उसके बाद भी कोई रिसीव नहीं करता जब तक मेरा पासवर्ड नहीं, ये गलत हो गया,
जिसे मैंने दिया था ऐसे। अभी देखिए अभी नंबर दिखा, अभी खुलने के बाद ही नंबर नाम दिखा। अभी आप रिसीव करके बात करते हो, ठीक है, ये हो गया। और एक फीचर इसमें दिया है कॉल लॉग ऑटो डिलीट। देखिए जैसे ऑटो डिलीट में किसका नंबर को रखना है आपको, जैसे मैं रखता हूँ मेरे, हो गया मेरे गर्लफ्रेंड का नंबर को मैं ऑटो डिलीट मोड में रख लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या सच में डिलीट होता है या नहीं होता। विल यू लाइक टू रजिस्टर कॉन्टैक्ट कॉल लॉग तो ऑटो डिलीट, यस। ऑटो डिलीट हो गया, ये चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है देखिए रीनेम कॉलर आईडी, ठीक है। कॉलर आईडी को आप रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम किसके नाम को करना है देखिए, मैं निकलता हूँ इसको, मुझे रीनेम करना है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा है, मैं इसे लिख लेता हूँ ऑफिस। अगर आप आपको ऑफिस में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप ऑफिस लिख लीजिए। क्या कोई वर्क स्टेशन का नाम लीजिए तो आपका कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, आएगा अभी तो। अभी हम कॉल करेंगे, क्या होता है देखते हैं। जी अभी आया ऑफिस लिख के, ऐसा भी कोई आया तो ऑफिस लिखा है, क्या कोई आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि जिससे कि आपका कोई फ़ोन ना उठाए, इसको लगे कि इसका काम का फ़ोन है तो मैं नहीं उठाता, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऑफिस लिखा, उसके बाद आपका लॉक खोलेंगे तो ही आपको पता चलेगा किसका फ़ोन है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तीन चार फीचर हैं। और एक चीज़ इसमें दिया है देखिए इनकमिंग कॉल वॉलपेपर, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। कॉल के लिए आप सेपरेट वॉलपेपर भी दे सकते हैं। ये और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए एप्लीकेशन को दिया है, फ़ोन को अच्छा लगेगा आपको, कॉल आएगा तो अच्छा ही कॉल पेपर। देखिए मैं डाइस अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई हो गया। अभी फिर से कॉल करते हैं, देखिए ये कॉल में वॉलपेपर आएगा तो आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बस इतना था ही ये एप्लीकेशन का काम, बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप यूज करके देखिए और कैसा लगा कमेंट में लिखिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं हो रहा है तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल फ़ोन प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़ोन के रिलेटेड यूजेस के बारे में कि फ़ोन आपके फ़ोन से क्या क्या अच्छा चीज़ यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।